आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ एक प्लेन जो कि इंस्पायर्ड हैंगर रैट एयरप्लेन से, जो कि मैंने काफ़ी बार इस चैनल पे बनाई हुई है। और इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक आइसक्रीम स्टिक का। और ये डिज़ाइन जो है काफ़ी थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है इसमें, क्योंकि मैं इसके थोड़े बहुत विंग्स में थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ, जो टेल होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ। और ये कुछ अलग ही प्रकार का वीडियो होने वाला है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो इसको मैं बना रहा हूँ एक आइसक्रीम स्टिक से, और साथ में देखो मैंने ये नॉर्मल थर्मोकोल प्लेट जो मैं हमेशा यूज़ करते आ रहा हूँ उसको ही यूज़ कर रहा हूँ इसकी विंग्स को बनाने के लिए। तो इसको मैं डबल लेयर करूँगा, क्योंकि इसको मैं मोटर से उड़ाने वाला हूँ, तो इसको मैं डबल लेयर करूँगा ताकि मोटा रहे और इसको उड़ाने में कोई दिक्कत ना हो, हमारा जो विंग है वो ना टूटे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होती है जब ऐसे मोटर से प्लेन बनाते हैं तो क्या होती है कि पावर ज़्यादा होती है, तो हवा अगर ज़्यादा तेज़ पड़ती है तो ये टूट जाती है, तो ये चांसेस रहते हैं या फिर मुड़ जाती है, तो जो उड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो बाद में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसको डबल लेयर कर देते हैं और ये इस तरह से काफ़ी स्टेडी रहेगा और अच्छे से उड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेल भी बना रहा हूँ दोबारा से, फिर भी मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसको बनाने के लेकर के। और यहाँ पे देखो मैंने इसको पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं इसमें जो है अपने नया डिज़ाइन लगा रहा हूँ। देखो आगे की तरफ जो पीछे का टेल था मैंने अभी चेंज कर दिया, यहाँ पे देखो मैंने वी टेल यूज़ किया और पीछे एक छोटा सा एक राउंड सर्कल भी एक बनाया जिसमें से जो एग्जॉस्ट पास होती है ना, ऐसा कुछ डिज़ाइन में ऐसे ही सोच रहा था नॉर्मली, तो वैसे कुछ कुछ डिज़ाइन में बना रहा हूँ। तो मैं रैंडमली मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ प्लेन के साथ, तो फिलहाल ऐसी रही डिज़ाइन। और देखो और बताओ कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी।